नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात शहडोल से बड़ी खबर की। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। बाइक पर दादा का शव ले गया पोता। बाइक पर शव के साथ चार लोग सवार थे। जिला अस्पताल से नहीं मिला शव वाहन। मामले पर प्रशासन ने चुप्पी भी साध ली है। तो बाइक पर दादा का शव लादकर पोता ले गया, शव वाहन अस्पताल से नहीं मिला, ये बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। जिला अस्पताल से शव वाहन नहीं मिल पाया और पोता ऐसे ही दादा का शव बाइक पर लाद कर ले गया। फिलहाल मामले में जब प्रशासन से सवाल जवाब किए गए तो किसी भी तरह का जवाब नहीं दे पाए प्रशासन के लोग और चुप्पी साध ली। तो बाइक पर शव के साथ चार लोग सवार थे और दादा का जो शव है पोता लाद करके बाइक पर ले गया। जिला अस्पताल से फिलहाल शव वाहन नहीं मिल पाया और इसी वजह से कहीं ना कहीं बाइक पर शव ले जाया गया। बड़ी शर्म की बात है। जिला अस्पतालों से आए दिन ऐसी ही तस्वीर सामने आती है जब शव वाहन नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं परिजनों को, और परिजन या तो खाट पर ले जाते हैं या बाइक पर ले जाते हैं, ऑटो रिक्शा से ले जाते हैं। इसी तरह परिजन परेशान होते हुए नजर आते हैं। और कुछ ऐसी तस्वीर शहडोल में एक बार फिर से देखने को मिली है जहां पर बाइक पर लादकर बाइक पर शव लेकर गया पोता, अपने दादा का शव लेकर गया। और जब इस पूरे मामले में प्रशासन से सवाल किया गया तो प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिला, चुप्पी साध ली गई। मानवता को शर्मसार करती है ये तस्वीरें। ये पूरा मामला शर्मसार करता है मानवता को कि आखिर अस्पतालों में इतनी सुविधाएं होने के बाद भी इतनी लचर व्यवस्था क्यों है, और अगर सुविधाएं नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों इस तरह की लचर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, ऐसे लोग परेशान होते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, शहडोल की ये तस्वीर है, अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर है। जब शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया तो चार लोग आते हैं और शव को पकड़ते हैं और बाइक पर लादते हैं, बिठाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके पीछे भी कुछ लोग बैठते हैं, शव को पकड़ करके ले जाते हैं और एक जना बाइक चलाता है। ये तस्वीर आपके सामने जो मानवता को शर्मसार करती है। आखिर कब तक इसी तरह की तस्वीरें आएंगी? अस्पतालों का यही हाल रहेगा, यही ढीला रवैया रहेगा और ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। गरियाबंद से बड़ी खबर की हम बात करेंगे। पराली में भीषण आग लग गई, चरवाहे और मवेशी की बाल बाल जान बची है। पेट्रोल टंकी के पास आग पहुंच गई। आग बुझाने में जुटे हैं नगर पंचायत के कर्मचारी। चरवाहे और मवेशी की बाल बाल जान बची है इस हादसे में। बता दें आपको, ये बड़ा हादसा हुआ, आग लग गई और बड़ा हादसा इससे हो सकता था। पराली में ये भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गरियाबंद की तस्वीरें जहां पर चरवाहे और मवेशी की बाल बाल जान बची है। पेट्रोल टंकी के पास ये आग पहुंच गई। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा होने से टला है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। पराली में ये भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गरियाबंद की ये तस्वीरें हैं। धुआं ही धुआं और सैकड़ों एकड़ पराली में आग लगा दिया गया है और इस आग में कई मवेशी जलते जलते बचे हैं। जो मवेशी को यहाँ पर चराने आए थे वो लोग भी बचे हुए हैं। और देखिए कि कितनी दूर पर यह आग फैला हुआ है। मुख्य मार्ग है सिंहेश्वर का और देखिए कि वाहन किस तरह खतरे को पार करा रहे हैं। धुआं इतना ज्यादा है कि कभी भी कोई भी गाड़ी आपस में टकरा सकते हैं। एक बड़ी लापरवाही है क्योंकि धान कटाई के बाद पराली में इसी तरह आग लगा दिया जाता है। कार्रवाई नहीं करने का नतीजा देखिए, लोग बेखौफ आग लगा देते हैं जिससे न केवल मवेशी इसके चपेट में आ जा रहे हैं बल्कि एक घर भी है, कुछ सब पैरावट भी है और तमाम जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो रहा है। एक सड़क को आप देखिए, ये मुख्य मार्ग है राजीव पिंगेश्वर का, जहाँ पूरे धुआं धुआं है और जो वाहन है ये किस तरह खतरे में आ रहे हैं। और इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर गाड़ी चलाने वाले को अगर सही साफ नहीं दिखाई देता है तो वो हादसे का शिकार हो सकता है। ये कार्रवाई नहीं हो रहा है, यही नतीजा है कि लगातार पराली में आग लगा दिया जा रहा है और सैकड़ों एकड़ जो
पराली है, इसमें आग लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सख्ती नहीं बरता जा रहा है। इस वजह से लगातार आग लगाया जा रहा है। बहरहाल देखने होगा कि आग पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी पर शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, तमाम दावे किए जाते हैं, कहा जाता है कि पराली जलाने पर रोक लगाई जाएगी, पर होता ऐसा दिखता नहीं है और कहीं ना कहीं इससे पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, पर ये जिस तरह का हादसा होते होते बचा है ये कई सारे सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, कई सारे सवाल खड़े करते हैं क्योंकि नियम कायदे कानून है, अगर पराली पर आग लगा दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का नियम है, लेकिन कार्रवाई नहीं करने का नतीजा है कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा नगर पंचायत सिंहेश्वर के पेट्रोल टंकी के पास सैकड़ों एकड़ पराली में आग लगा दिया जाता है और ये हवाओं के रुख के साथ आग बढ़ते गया और पेट्रोल टंकी तक पहुंच गया, लेकिन इसमें जो वहां खेत में मवेशी थे और जो चरवाहे थे वो इस आग के चपेट में आ गए थे। हालांकि उनकी बाल बाल इस घटना में, इस आग में जान बच पाई है और जो आग है पेट्रोल टंकी तक पहुंच गया, ट्रांसफार्मर के पास पहुंच गया था। किसी तरह नगर पंचायत के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश अभी जारी है और ये आग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसे आग लगाने वालों के खिलाफ कोई शक्ति नहीं बरता जा रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। नतीजा यह है कि ये अब धान कटाई के बाद पराली में इसी तरह आग लगा दिया जाता है और आज सिंहेश्वर के पेट्रोल टंकी के पास सैकड़ों एकड़ पराली में आग लगा दिया गया है, जिसके वजह से खेतों में रखे पैरा और पराली पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं और इसमें जो केबल तार है वो भी जल गए हैं, पेट्रोल टंकी तक आग पहुंच गई है और ये आग हवाओं के रुख के साथ और आगे बढ़ते जा रहे हैं, धड़कते जा रहा है और भीषण आग को काबू पाने के लिए कर्मचारी वहां पर जुटे हुए हैं। अगर समय रहते ही इन आगों पर काबू नहीं पाया जाता तो ये आगे भी और चीजों को जलाकर खाक कर सकती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शेख इमरान। अशोकनगर से बड़ी खबर की इस वक्त बात हम करेंगे। रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप हुआ है, स्टेशन के पास महिला से दुष्कर्म की वारदात हुई है। जीआरपी स्टाफ बनकर आए थे दो आरोपी, मुंगावली स्टेशन की यह घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, स्टेशन के पास महिला से दुष्कर्म हुआ है। अशोकनगर की हम बात कर रहे हैं, जीआरपी स्टाफ बनकर दो आरोपी आए थे और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मुंगावली स्टेशन की यह घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। और आइए अब देखेंगे 20 मिनट 20 खबर। आपने कई शादियां देखी होंगी, लेकिन यूएई के एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी का ऐसा इंतजाम किया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, शादी का ये जश्न किसी होटल या मैरिज हॉल में नहीं चल रहा, प्राइवेट जेट में हो रही ये शादी। जी हाँ, दुल्हा दुल्हन परिवार रिश्तेदार सब प्लेन में सवार हैं। कहते हैं जोड़े आसमान में बनते हैं, यहाँ तो शादी भी आसमान में उड़ान भरने वाली प्लेन में हो रही है। यूएई में रहने वाले भारतीय कारोबारी दिलीप पोपले ने 24 नवंबर को दुबई में प्राइवेट जेट बोइंग 747 में अपनी बेटी की शादी रचाई। इस शानदार शादी में म्यूजिक डांस सब कुछ था, लोगों ने इस खास मौके को जमकर सेलिब्रेट किया। दुल्हा दुल्हन भी प्लेन में शादी के लिए अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल रही हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर वासियों के बीच उस समय चर्चा का बाजार गर्म हो गया जब शहर की सड़कों से बग्घी पर सवार एक दुल्हनिया काला चश्मा पहने झूमकर नाचती हुई गुजरी। बग्घी पर सवार दुल्हन को देखकर लोगों ने भी खासा खुशी जाहिर की। बग्घी पर सवार दुल्हन के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बुरहानपुर में घुड़बग्घी पर सवार चश्मा पहने दुल्हन करीना के नाचने का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि धुआंधार आतिशबाजी के साथ शहर में सकल पंच गुर्जर साली समाज के बेटी की बारात निकली और इसमें सभी की निगाहें केवल दुल्हन पर टिकी रही। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ गाने पर दुल्हन झूमते हुए नजर आई। दुल्हन करीना के फिल्मी अंदाज को देखने के लिए हर कोई ठहर सा गया। बारातियों ने मोबाइल कैमरे से दुल्हन का वीडियो बनाया। गौरतलब है कि दशहरा, दिवाली और लोकतंत्र के त्योहारों से लोगों को फुर्सत मिल गई है, लेकिन अब लोग शादी ब्याह के आयोजन में व्यस्त हो गए।
एमपी में 3 दिसंबर को काउंटिंग है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षा बलों की निगरानी में रखे गए हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर प्रत्याशियों के समर्थक डटे हुए हैं। इंदौर से लेकर मुरैना तक, मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक हर जगह सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है। बुरहानपुर में मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के चारों ओर शहर में ड्रोन से नजर रखी जाएगी, जिसे लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने हाईटेक ड्रोन की टेस्टिंग भी ली। सभी थानों के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसरों के बीच कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी देवेंद्र पाटीदार ने ड्रोन के उड़ने की ऊंचाई नापी और अश्रु गैस छोड़ने का टेस्ट लिया। तो वहीं मुरैना में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम में बनाया गया है, जहां ईवीएम को रखा गया। यहां ईवीएम की सुरक्षा में सिर्फ पुलिस बल ही तैनात नहीं है, बल्कि कई पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थक भी पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, और इसी आशंका के बीच प्रत्याशियों के समर्थक रात भर पहरा दे रहे हैं। मंदसौर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां ईवीएम में गड़बड़ी के चलते स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता टेंट लगाकर चौकीदारी कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के कार्यकर्ता शिफ्ट में स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि कई बार सोशल मीडिया पर देखने में आया है कि कई बीजेपी नेताओं के यहां से ईवीएम मशीन पकड़ी गई है। मशीन पकड़ने का वीडियो वायरल हुआ, इसी आशंका के चलते यहां पर अनुमति लेकर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। खंडवा में भी ईवीएम त्रिस्तरीय घेरे में रखी गई है। इसके बावजूद जिन प्रत्याशियों के मन में गड़बड़ी की आशंका है, वो अपनी ओर से निगरानी करवा रहे हैं। मानधाता से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह पुरनी ने यहां कार्यकर्ताओं के साथ सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था कर दी है। 3 दिसंबर को मतदान आने तक 2 शिफ्ट में 4 सिक्योरिटी गार्ड नजर रखने के लिए तैनात किए गए हैं। यहां बड़ी स्क्रीन पर सीसीटीवी से तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में गाड़ियों के काले शीशे को लेकर एक फैसला जारी किया था। कोर्ट का आदेश था कि किसी भी गाड़ी के फ्रंट और बैक ग्लास में कम से कम 70% तक विजिबिलिटी होना जरूरी है। मतलब ये कि कम से कम 70% तक बाहरी लाइट कार के अंदर जानी चाहिए। साइड के शीशे के लिए भी 50% का नियम है, यानी शीशे से कम 50% लाइट अंदर जानी चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद भी बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगवा लेते हैं। एमपी की सड़कों पर कई ऐसे कार रोजाना दिखते हैं, जिसमें शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़े होते हैं। कई बार अपराधी ब्लैक फिल्म की आड़ में कार के अंदर कई वारदात को अंजाम देते हैं। बड़े शहरों से कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं। अब छोटे शहरों में भी ऐसा ही हाल है, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस इस पर सख्त हो गई है और चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंदौर से लेकर मुरैना और ग्वालियर में शीशे पर ब्लैक फिल्म को लेकर पुलिस अलर्ट है। सड़कों पर जांच चल रही है, तो वहीं चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इंदौर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त नजर आई। सख्ती का आलम तो ये है, मुरैना में गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म प्रतिबंध होने के बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे। अधिकारी और नेताओं से लेकर गुंडे बदमाश अपने चार पहिया वाहनों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर घूमते हुए नजर आए। एमपी में रेत माफिया की धमक एक बार फिर सुनाई दी है। रेत माफिया ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। एक बार फिर रेत माफिया ने शासन प्रशासन को चुनौती दी है। शहडोल में बेखौफ रेत माफिया पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया। पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध खनन रोकने गए थे, उन्होंने अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ लिया था। रेत माफिया को ये नागवार गुजरा। रेत माफिया के गुर्गों ने न सिर्फ ट्रैक्टर को छुड़ा लिया, उसी ट्रैक्टर से कुचल कर ब्योहारी के खड्ड में पदस्थ पटवारी की हत्या भी कर दी और ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। रेत माफिया ने ये खूनी खेल देवलौन थाना क्षेत्र में खेला। इस घटना से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रेत माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब शासकीय कर्मचारियों की जान भी ले रहे हैं? जिले में अवैध रेत खनन का खेल जारी है। पुलिस प्रशासन आखिर क्या कार्रवाई कर रहा है? रेत माफिया पर नकेल के लिए अब क्या एक्शन लिया जाएगा? पटवारी की हत्या करने वालों को कब गिरफ्तार किया जाएगा? कई सवाल। ये जख्मी सड़क पूछ रही है कि इसके बदन का घाव कब भरेगा? क्या जिम्मेदार लोग इनकी तरफ ध्यान देंगे? ये सरगुजा जिले का NH 130 है, जो अपनी हालत पर रो रहा है।
इस सड़क से कई अधिकारी गुजरते हैं लेकिन कोई इसकी खबर नहीं ले रहा है। सड़क भी पूछ रहा है कि दवाई ठीक से लगाई नहीं या फिर दवाई ही गलत है, जो सड़क का निर्माण पूरा होने से पहले ही जर्जर की स्थिति में पहुंच गया। दरअसल एनएच के अधिकारियों और ठेकेदार की लेट लतीफी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अंबिकापुर में बिलासपुर जाने वाली एनएच 130 सड़क विगत 6 सालों से अधूरा है। अंबिकापुर से लेकर उदयपुर तक एनएच सड़क पर कई जगह जर्जर हो चुके हैं, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जाने जा रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक एनएच के अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण कराने में लापरवाही की गई है, जिसके कारण सड़क निर्माण पूरा होने से पहले ही जर्जर हो गया है। इधर सरगुजा कलेक्टर ने एनएच के अधिकारियों और ठेकेदार को 1 सप्ताह में सड़क ठीक कराने के निर्देश दिए। सड़क सही नहीं होने पर कार्रवाई की बात की गई है। वो शराब पीता था, घर में मारपीट करता था, उसकी हरकतें उसके अपनों को अच्छी नहीं लगती थीं, और एक दिन फिर वो हुआ जो रोंगटे खड़े कर देता है। दरअसल रीवा में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और हत्या का राज छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अपनी जाँच में पाया कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसमें उसके दोनों बेटों और उस शख्स की पत्नी का हाथ था। जाँच के बाद भेद खुल गया। दरअसल मृतक रामानंद शराब पीकर अपने घर में हंगामा करता था, रोजाना नशे में घर पहुंचकर झगड़ा किया करता था। घटना के दिन 15 नवंबर की रात भी वो शराब के नशे में घर पहुंचा, पत्नी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद दोनों बेटों ने मिलकर पहले तो डंडे से अपने पिता की पिटाई की, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब इस मामले में पुलिस ने मां समेत दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। चोर बेखौफ हैं, लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया, जहां एक डॉक्टर दंपत्ति के घर चोरों ने धावा बोला, घर से लाखों का सामान ले उड़े, जिसकी वीडियो भी सामने आई है। ये वीडियो अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है, जहां सुनसान घर में चोरों ने चोरी का प्रयास किया और कामयाब रहे। चोरों ने एक के बाद एक करके 6 घरों में चोरी की कोशिश की। आखिरकार डॉक्टर दंपत्ति के सूने घर को देख एंट्री की और लाखों का सामान लेकर भाग खड़े हुए। चोरी की वारदात वहां पर नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। दंपत्ति ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी है। देश और राज्य में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होते तो आपने सुना होगा, पर क्या आपने संसार की सत्ता का परिवर्तन होते सुना है? अगर नहीं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। दरअसल उज्जैन में सत्ता परिवर्तन के लिए पालकी निकाली गई। इस पालकी में महाकाल सवार होकर निकले और भगवान विष्णु को संपूर्ण संसार का भार सौंपा। दरअसल उज्जैन में सालों से एक परंपरा चली आ रही है, जिसमें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन महाकाल भगवान विष्णु को सत्ता सौंपते हैं, जिसके लिए पालकी निकाली जाती है, और इस रजत पालकी में सवार होकर महाकाल गोपाल मंदिर पहुंचते हैं, जहां वे भगवान विष्णु को सत्ता सौंप देते हैं। रजत पालकी के दौरान बाबा की झलक पाने के लिए उनके भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दरअसल पूरे देश में 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सावन आने से पहले भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं, तब से बाबा महाकाल संसार का भार संभालते हैं। फिर देव उठानी एकादशी के बाद बाबा महाकाल की ये जिम्मेदारी वापस भगवान विष्णु को सौंपने देते हैं। एक बार फिर उज्जैन में ये परंपरा निभाई गई। जब पालकी महाकाल मंदिर से बाहर आई तो पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। केरल के कोची में CUSAT यूनिवर्सिटी के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भीषण हादसा हो गया। म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान यहां भगदड़ मच गई, जिसमें 4 छात्रों की मौत हो गई। कॉलेज के ऑडिटोरियम में म्यूजिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद लोग ऑडिटोरियम की तरफ भागे,
जिससे यहां अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल हो गया और इस भगदड़ में चार छात्रों की जान चली गई। आज हम आपको दिखाने वाले एक ऐसी प्रतिकृति जो मध्य प्रदेश के इंदौर में लोहे के स्क्रैप से राम मंदिर की बनाई गई है। बता दें कि प्रतिकृति अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के तर्ज पर बनाई गई। बता दें कि वैसे तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर अभी निर्माणाधीन ही है, लेकिन इनकी प्रतिकृति इंदौर के विश्राम बाग में तैयार हो गई है, जो कि 21 टन लोहे के स्क्रैप से तैयार की गई। इस प्रतिकृति की ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 26 फीट, लंबाई 40 फीट है। 20 मजदूरों ने करीब ढाई माह की मेहनत से इसे तैयार किया है। इसे तैयार करने में नगर निगम ने लोहे के पुराने खंभे, कबाड़, गाड़ियों के चेसिस, नट बोल्ट, टूटे फूटे झूले, फिसल पट्टी, ग्रिल आदि का इस्तेमाल किया। संभवतः देश में पहली बार लोहे के स्क्रैप से किसी मंदिर की इतनी बृहद प्रतिकृति तैयार की गई। बता दें कि इसके अलावा लोहे के स्क्रैप से इतनी बड़ी प्रतिकृति तैयार करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन कलाकारों की मेहनत ने संभव किया। इसमें वेल्डिंग वाले कारीगरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि छोटे बड़े और टूटे फूटे लोहे के सामान को मंदिर का स्वरूप देना आसान नहीं है। किसी व्यक्ति को गाली देना अपराध है कि नहीं? कोहू का नहीं दिया गाली, भला कही दे कोहू हदा सबसे बड़े से आने दिया ना कोहू गाली, बेमतलब की बात मत करो, कोहू गाली दिया ना है, ज्यादा होशियारी ना करा करा काका है। एमपी में वोटिंग 3 दिसंबर को है, लेकिन तनाव अभी से है। वो इतना कि तनाव दो प्रत्याशियों के समर्थकों को आपस में भिड़ा रहा है। दो दो हाथ करने में समर्थक जुटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा सतना के अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र में दिखा, जहां दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ, जो रामनगर के मडवार गांव का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोरबा में देव दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हसदेव तट पर 30,000 दीपक जलाए जाएंगे। देव दीपावली के मौके पर पूरा हसदेव तट जगमगा उठेगा। 27 नवंबर की शाम 5 बजे होने वाले इस आयोजन में बनारस के देव दीपावली की गंगा आरती की तर्ज पर हसदेव की आरती की जाएगी। हिंदू क्रांति सेना की ओर से सर्वमंगला मंदिर घाट पर देव दीपावली के उपलक्ष्य में महाआरती का आयोजन होगा। आयोजन की तैयारियों में समिति के कार्यकर्ता पिछले एक महीने से लगे हुए हैं। बता दें कि हिंदू क्रांति सेना के सदस्य ने बताया कि पिछले साल भी समिति ने सर्वमंगला मंदिर घाट पर हसदेव महाआरती का भव्य आयोजन किया था और इस साल की महाआरती उससे भी खास होगी। मुंगेली में एक बार फिर हाथियों का झुंड देखने से ग्रामीण दहशत में हैं। अचानक वहां टाइगर रिजर्व में हाथियों के झुंड का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हाथियों का दल गांव की तरफ आता दिख रहा है। इससे लोगों को फसल के नुकसान होने का डर सता रहा है और गांव में हाथियों के उत्पात का भय भी सता रहा है। दरअसल बिंदावल में 6 से ज्यादा घरों को हाथियों ने तोड़ तोड़ कर तहस नहस किया। हाथियों के डर से गांव वाले रत जगा कर रहे हैं। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हाथी किस प्रकार से ट्रैक्टर को धक्का मारते हुए मुंगेली के इलाके में अक्सर हाथियों के दल का उत्पात देखने को मिल रहा है।